आज उनको सदन में फ्लाइंग किस दे दिया। अब वो मणिपुर के बेटी बहन का इज्जत नहीं दिखा, दिल्ली में पहलवान बेटी बहन का इज्जत नहीं दिखा, बिल्किस बानो का इज्जत नहीं दिखा। वही तो मैं थी ना सांसद में, वो भी बैठी थी, क्या उनको नहीं दिखा कि वो राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं इनको, स्मृति ईरानी को। आज स्मृति ईरानी को दिख गया तो जिसका नजरिए बचलन हो वो क्या गांधी दिए हैं कि नहीं दिए। राहुल गांधी को तो शुरू की आदत है कि हाथ भाज के अपना बात करते हैं, ठीक है। वो सरजना को फ्लाइंग किस समझ गई, वो वही समझी तो बचलन औरत क्या समझेगी। कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी ये सब मुद्दों को दबाना चाहती हैं कि मैं ऐसे बोलूंगी तो जनता के दिमाग से निकल जाएगा। कहीं ना कहीं इन लोगों को, बीजेपी वाले लोगों को 2024 का डर स्मृति ईरानी को कम से कम अपना देख लेना चाहिए कि मेरा उम्र क्या है और राहुल गांधी का उम्र क्या है। राहुल गांधी जाएंगे इनको फ्लाइंग किस देने के लिए। गांधी अमर्यादित तरीके से इशारा कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना कर राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे थे। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेत्री बेधड़क तरीके से बात करने वाले नसीमा जमाल हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे राहुल गांधी जो है फ्लाइंग किस तरह से स्मृति ईरानी को, और स्मृति ईरानी कह रही है कि ये बिल्कुल ही अशोभनीय है। देखिए एक बात बताऊं, मुझे तो स्मृति ईरानी का नाम लेने में शर्म आ रही है। महिला तो है, बेशक वो महिला है, पर महिला के नाम पर वो धब्बा है, वो कलंक है। क्योंकि स्मृति ईरानी ना वो औरत नहीं है कि जो मणिपुर जो बेटी बहन का इज्जत जा रहा था आज तक ले, उसमें स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली है। अरे वो तो खुद ही बदचलन औरत है, वो खुद बदचलन है तो वो क्या कहेंगी। भारत सरकार में अब बदचलन कर रही है, बिल्कुल गलत। सुनिए ना, अगर मंत्री रहती ना तो ये शब्द उनमें शोभा नहीं देता है, वो नहीं बोलती इस शब्द को। अब कोई मिस इंडिया है क्या कि राहुल गांधी उनको फ्लाइंग किस देने जाएंगे, क्या है मिस इंडिया है। और बदचलन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने सगी फ्रेंड के, ये पूरा सगी नहीं हो पाई, अपने सगी फ्रेंड के पति को छीन के शादी कर लेती है तो क्या वो बदचलन नहीं है, तो क्या है आप ही बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे उनके हस्बैंड जो थे उनको छोड़ दिए, इनसे प्यार करने लगे। एक बात बताइए, बीजेपी के सांसद ये हेमा मालिनी भी है, थी ना सांसद में, वो भी बैठी थी, क्या उनको नहीं दिखा कि वो राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं इनको, स्मृति ईरानी को। आज स्मृति ईरानी को दिख गया तो जिसका नजरिए बदचलन हो वो क्या कहिएगा। राहुल गांधी को आदत है शुरू से ही कि बात करते हैं ऐसे हाथ भाज भाज के बात करते हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा कि राहुल गांधी हमको फ्लाइंग किस दे रहे हैं, क्या मिस इंडिया है क्या। आसन की तरफ ऐसे कर रहे थे और स्मृति ईरानी पीछे थी, लेकिन फिर भी उनको लगा कि उनको नजरिया गलत है, नजरिया उनका खराब है कि स्मृति ईरानी को लग रहा है कि राहुल गांधी हमको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। शायद उनको नहीं पता है कि फ्लाइंग किस राहुल गांधी दिए हैं कि नहीं दिए। राहुल गांधी को तो शुरू की आदत है कि हाथ भाज के अपना बात करते हैं, ठीक है। वो सरजना को फ्लाइंग किस समझ गई, वो वही समझी तो बदचलन औरत क्या समझेंगी आप ही बताइए ना। ये मंत्री है, बार बार ये शब्द का प्रयोग मत करिए, बिल्कुल गलत चीज। आप ही एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, वो केंद्र में मंत्री है, दो बार के सांसद है, आपके राहुल गांधी जी को भी हरा चुकी है। एक बात बताएं, केंद्र मंत्री तो है पर मंत्री के काबिल नहीं है, महिला तो है महिला के काबिल नहीं है। आज उनको सदन में फ्लाइंग किस दे दिया। अब वो मणिपुर के बेटी बहन का इज्जत नहीं दिखा, दिल्ली में पहलवान बेटी बहन का इज्जत नहीं दिखा, बिल्किस बानो का इज्जत नहीं दिखा, वो भी तो महिला है। वो उनके लोग थे ना, स्मृति ईरानी उनकी स्मृति ईरानी महिला है, उनको ये नहीं दिखा। कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी ये सब मुद्दों को दबाना चाहती हैं कि मैं ऐसे बोलूंगी तो जनता के दिमाग से निकल जाएगा। कहीं ना कहीं इन लोगों को, बीजेपी वाले लोगों को 2024 का डर सताने लगा है, तभी ये स्मृति ईरानी नौटंकी करने लगी है। कोई मिस इंडिया नहीं है कि राहुल गांधी उनको फ्लाइंग किस करेंगे। जो राहुल गांधी महिला का इतना मान सम्मान करते हैं, जो बोलते हैं ना रोड पे इतना वो किए थे, क्या वो भारत जोड़ो यात्रा ही काले थे, आज तक ले राहुल गांधी को कोई बता नहीं सकता कि राहुल गांधी ऐसे करेंगे। आज स्मृति ईरानी को दिख गया कि सदन में उनको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। उनको हारने का डर नहीं है, इंडिया कैसे हार जाएगा, इंडिया वाले तो खुद डरे हुए हैं। एक बात बताएं, इंडिया ही हराएगा एनडीए को, याद रख लीजिएगा, तभी ये बीजेपी वाले बुखला गए हैं। बीजेपी वाले को 2024 से डर सताने लगा है। ये स्मृति ईरानी ये सब मुद्दों को दबाना चाहती है, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, ये रोजगार देना चाहिए तो पकौड़ा थमा दिए नरेंद्र मोदी जी। ये सब कहीं ना कहीं दबाने की ये साजिश कर रही है, दबाने की ये काम कर रही है कि हम इधर फ्लाइंग किसकी बात करेंगे तो जनता का उधर से दिमाग हटके और स्मृति ईरानी पे दिमाग चला आएगा। तो मैं ये बता दूं स्मृति ईरानी को, मैं ये बता दूं कि
जनता इतना पागल नहीं है कि 9 साल से जनता बर्दाश्त करते करते आया है। जनता इनकी औकातें बता देगी 2024 में। ये सदन में जैसे चिल्ला रही है, कस वो पहलवान बेटियों के लिए भी चिल्लाई होती, इंसाफ की मांग की होती, कस मणिपुर की बेटी बहनों के लिए इंसाफ की मांग की होती सदन में चिल्ला के, कस बिल्किस बानो की इंसाफ की मांग की होती सदन में चिल्ला के, तो मुझे खुश होता कि महिला के नाम पे कम से कम महिला को सपोर्ट की है। वो तो महिला है ही नहीं है। अगर महिला होती तो ये सब जो कांड हुआ है इस पे अन्याय के मांग करती कि न्याय उनको दीजिए। ये सब कहीं ना कहीं ये दबाने की साजिश है बीजेपी का। जब बीजेपी को कुछ होता है ना तब यही चाल चलता है लोग। सांसद हेमा मालिनी हैं, उनको नहीं दिखा, और ये स्मृति ईरानी को दिख गया कि हमको मतलब राहुल गांधी फ्लाइन किस कर ये कहा शर्म आना चाहिए उस औरत को, शर्म आना चाहिए। ठीक है, ये कहा तक सही है कि कांग्रेस विधायिका कह रही है कि फ्लाइन किस करने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। देखिए फ्लाइन किस करने के लिए उनके पास तो बहुत सारी वाकई नजर से गिरा नहीं, नहीं बोली, बहुत सारा रिश्ता भी आता है, बहुत सारी लड़की उनको प्रपोज भी करती हैं, पर राहुल गांधी हमारे ज्यादा ये नहीं करते, उसके तरफ जाते नहीं है। ठीक है, महिला का मान सम्मान करना जानते हैं राहुल गांधी, महिला का मान सम्मान करते हैं। ये स्मृति ईरानी को ना ये नहीं देख रहा, स्मृति ईरानी को कम से कम अपना देख लेना चाहिए कि मेरा उम्र क्या है और राहुल गांधी का उम्र क्या है, और राहुल गांधी जाएंगे इनको फ्लाइन किस देने के लिए। चलिए, स्मृति ईरानी को अपना उम्र देख लेना चाहिए और राहुल गांधी का भी उम्र देख लेना चाहिए। राहुल गांधी कतई इन्हें फ्लाइन किस नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ आरजेडी की फायर ब्रांड नेता नसीमा जमाल जी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।